किंग्स क्वेश्चन uh, कई बुद्धिमान लोगों ने राजा के सवालों के जवाब दिए तो अब आप इसमें से चेक करो यहाँ पे क्या आएगा बट देर आंसर दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड अब उन लोगों के जो जवाब थे जो उत्तर थे वो एक दूसरे से बहुत ही अलग थे जिससे कि राजा सेटिस्फाइड नहीं था ठीक है तो फर्स्ट में आएगा ये सेकेंड है कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि राजा को बुद्धिमान लोगों की परिषद बनानी चाहिए किस लिए कि वो उनको आ, किसी भी काम को करने के लिए सही समय पे बता सके है ना टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम तो दूसरे में आएगा नेक्स्ट है समवन द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ठीक है तो थर्ड में आएगा एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली नेक्स्ट है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट राजा ने साधु से रिक्वेस्ट करी थी है ना विनती करी थी किसके लिए टू आंसर थ्री क्वेश्चंस उसके तीन सवालों के जवाब देने के लिए राइट नेक्स्ट है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस राजा ने धो करके उसके घाव को अच्छे से आ, उसकी ड्रेसिंग करी थी है ना उसके घाव पर दाढ़ी वाले आदमी के लेकिन बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप लेकिन जो ब्लड था जो खून था वो नहीं रुक रहा था तब भी, है ना ओके सुनाओ बच्चों अब आपका यहाँ पे बुक की एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई बॉल्स द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस किंग को ये एडवाइस क्यों दी गई थी कि उसको मैजिश magic मैजिशियंस के पास जाना चाहिए जादूगर के पास जाना चाहिए क्योंकि सम ऑफ द वाइस मैन थॉट क्योंकि कुछ बुद्धिमान लोग जो थे उनका मानना था दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समिंग क्यूँकि किसी उन लोगों का मानना था कि किसी काम को करने के लिए सही समय को जानना सही समय को जानने के लिए भविष्य की ओर गौर करना चाहिए एंड ओनली मेजिशियंस आर एबल टू डू दैट और उनका कहना था कि ये सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं है ना वही बता सकते हैं फ्यूचर के बारे में सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मेजिशियंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग उन्होंने कहा कि दूसरे सवाल के उत्तर में जो एडवाइस दी गई थी राजा को वो क्या थी तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों का कहना था कि उनको उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? ऑफ़ कि उनको परिषद बनानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की है ना किसी का मानना था कि उसे प्रीस्ट यानी पुजारियों की सुननी चाहिए और किसी का कहना था कि उसे डॉक्टर की सुननी चाहिए और कुछ का कहना था कि उसे अपने सोल्जर्स की सुननी चाहिए है ना सिपाहियों की ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेट तीसरे सवाल के जवाब में, uh, में कुछ लोगों का कहना था कि साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस उन्होंने क्या कहा कि जो साइंस है है ना विज्ञान है वो सबसे Uh, जरूरी काम है वाइल्ड देयर वर अदर्स हु बिलीव्ड इट वॉज फाइटिंग और किसी का मत क्या था कि लड़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन देयर वर दोज हु बिलीव रिलीजियस वर्शिप शुड टेक द फर्स्ट प्लेस और कुछ का कहना था कि राजा को धार्मिक चीजों में है ना uh, धर्म को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड द मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट वाय नॉट जो बुद्धिमान व्यक्ति थे क्या उनको कोई इनाम मिला था अगर नहीं तो क्यों क्योंकि जो राजा था उसको उनके उन लोगों के जो जवाब थे वो बहुत ही अलग लगे थे डिफरेंट लगे थे है ना तो हम क्या लिखेंगे नो द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने कोई इनाम नहीं जीता था क्योंकि देयर आंसर वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर क्योंकि उनके जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर और जो राजा था वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं था ठीक है नेक्स्ट है हाउ डिड द किंग एंड द हर मिट हेल्प दाउंडेड मैन अब राजा और उस साधु ने घायल आदमी की मदद कैसे करी इसमें आप क्या लिखोगे कि द किंग वॉश्ड द वउंड एंड कवर्ड द वउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंकरचीफ अब उस राजा ने उसका जो घाव था उसको क्या किया था वॉश किया था है ना और उसको कवर कर दिया था अपने रुमाल से एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉपड कंप्लीटली और उसको वो बार-बार साफ करता रहा था जब तक कि वो खून रुक नहीं गया है ना द किंग ऑल्सो ऑफर टू ड्रिंक और उसने उसको पानी पीने के लिए भी ऑफर किया था अलाउड दू स्पेंड हिज नाइट इन दर्ट और उस साधु ने कैसी मदद करी थी साधु ने राजा की मदद से उस घायल आदमी को वो दोनों मिलकर कुटिया के अंदर ले गए थे है ना और उसने उन दोनों को रात बिताने के लिए कुटिया में इजाजत दे दी थी ठीक है फिर सिक्स्थ का फर्स्ट है बच्चों आपका हु वाज द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी कौन था दाढ़ी वाला आदमी एनिमे था किंग का है ना यानी दुश्मन था तो द बियर्डेड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग राजा का वो दुश्मन था ही वांटेड टू टेक रिवेंज वो से बदला लेना चाहता था किंग वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था जिसे राजा ने मारा था एंड टेकिंग अवेटी और उसने उसकी क्योंकि सारी संपत्ति हड़प ली थी से किंग्स वो राजा से माफी क्यों मांगना चाह रहा था है ना? क्यों चाह रहा था कि राजा उसको माफ कर दे क्योंकि द बियर्डेड मैन आस्कड फॉर द किंग्स फॉर्वनेस बिकॉज वो उसे खुद को माफ कर देने के लिए कह रहा था क्योंकि ही वॉन्टेड टू किल किंग राजा को मारना चाह रहा था बट द किंग राजा ने उसकी जान बचाई ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ और अब वो राजा के प्रति क्या हो गया था ग्रेटफुल हो गया था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ दंग फेव द बियर्डेड मैन वॉट डिड ही डू टू शो हिज फस जो राजा था उसने दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया था और उसने माफ करने के बाद कैसे दिखाई थी तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए द किंग शोड हिज फगीवनेस बाय प्रोमिसिंग द मैन उसने माफ जब किया था उस आदमी को तो उसने क्या शो किया था किस तरह से उसने माफ किया था उसने उससे वादा किया था कि सेंड हिज डॉक्टर किया था कि वो अपने सेवकों और डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा एंड ऑल्सो प्रोमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी और उसने उससे वादा किया था कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा ठीक है नेक्स्ट है वॉट वर द हरमित्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चन अब जो हरमित था जो मतलब जो साधु था उसके उसने तीन सवालों के जवाब किस तरह से दिए हमें वो अलग अलग लिखने हैं है न सेपरेटली एंड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई अब हमें बताना है कि आपसे पूछा गया है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा जवाब अच्छा लगा और क्यों ठीक है तो इसमें आप क्या लिखोगे जैसे आप लिख सकते हो द हरमित से साधु ने कहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज अवर प्रेजेंट उसने कहा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हमारा प्रेजेंट है है ना अभी का बिकॉज क्योंकि इट इज द ओनली मोमेंट वेन वी हैव द पावर टू एक्ट क्योंकि इसी में हमें कुछ एक्ट करने की पावर होती है है ना कुछ करने की शक्ति होती है उसी समय द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन

फ्यूचर है जो भविष्य है वो किसी ने नहीं देखा है एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट anyone in इन द फ्यूचर और नॉट और हमें नहीं पता कि हम भविष्य में किसी से भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो इसीलिए हम खुद ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है सो वी शुड listen टू ourselves. सेल्फ तो हमें किसकी सुननी चाहिए खुद की ठीक है उसके दूसरे सवाल का उत्तर क्या था कि हमें खुद की सुननी चाहिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस अब तीसरा सवाल क्या था कि राजा ने ये पूछा था ना उससे कि सबसे जरूरी काम क्या है क्या करना चाहिए तो उसने बताया कि सबसे जरूरी काम इज टू बी का हमें दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए भला करना चाहिए क्योंकि और उनकी मदद करनी चाहिए वी हैव बिन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व हिज टू सर्व दिस नोबल कॉज क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं उसी काम के लिए ठीक है आई लाइक ड फिर उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हो कि आई लाइक थर्ड आंसर जवाब सबसे अच्छा लगा because helping someone in need, किसी को जरूरत में मदद करना अगर कोई पर्सन मुश्किल में है ना उसको अगर हमारी जरूरत है अगर हम उसकी मदद करेंगे इज लाइक सर्विंग गॉड तो हमें कहीं ना कहीं हम ऐसा फील करेंगे कि हम भगवान Uh, क्या कहते हैं भगवान की मदद कर रहे हैं है ना हम गॉड को सर्व कर रहे हैं इट मेक्स अस अ गुड पर्सन इट ये हमको क्या बनाता है एक अच्छा आदमी बनाता है जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं एंड ब्रिंग अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेनमेंट ठीक है बच्चों नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी फॉर एग्जाम्पल फेंटेड का मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस राइट फेंटेड यानी चक्कर आना तो पहला है इसमें बाउंडेड बाउंडेड का मतलब घाव राइट तो इसमें हम क्या लिखेंगे इंजर्ड है ना अबोक यानी उठना गॉट अप फ्रॉम स्लीप नींद से उठना ठीक है फिर है फगेव माफ करना यानी पार्डन ठीक फिर है फेथफुल यानी लॉयल फेथफुल दयावान ठीक है जो कि लॉयल हो फिर है पिटी पिटी का हम क्या लगाएंगे फील सॉरी फॉर है ना पेटी दया दिखाना दया करना जो सॉरी हो या जो माफी के, मतलब माफी के लिए ठीक है ठेके? फिर है बेड्स बेट्स का मीनिंग क्या है बेट्स का मीनिंग क्या बताया था स्मॉल पैचेस ऑन ग्राउंड राइट सिक्स पे आएगा ये देन रिटर्न का मतलब वापस तो ये आपका आ जाएगा सेवंथ में गिव बैक नेक्स्ट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज टू ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स ओके बच्चों अब यहाँ पे देखो पहला आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए ही हैज डैश टू हेल्प मी डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश और यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में प्रॉमिस प्रॉमिस का मतलब वादा है ना तो वो बोल रहा है कि ही हैज हेल्प मी उसने मुझसे उसने मेरी मदद करने के लिए क्या किया वादा है ना वादा किया था तो प्रोमिस्ड आएगा यहाँ पे क्योंकि उसने वादा किया है है ना वो कर चुका है तो यहाँ क्या आया प्रोमिस्ड टू हेल्प मी डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर क्या तुम्हें लगता है कि उसे अपना वादा याद होगा तो यहाँ क्या लगाएंगे हम प्रोमिस ठीक है इसी तरीके से इससे पहले आप ये करो बच्चों मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि किसी भी वर्ड में जब हम सपोज रिस्पेक्ट है ठीक है रिस्पेक्ट में अगर मैं ऐड कर दू रिस्पेक्टफुली अब रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना है ना और रिस्पेक्टफुली सम्मान से है ना अब लास्ट में ये वर्ड जो है ऐड हुआ तो ये क्या, पूरा क्या बन गया रिस्पेक्टफुली जब हम किसी वर्ड के लास्ट में कुछ जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं सफिक्स ठीक है जो कि किसी वर्ड के फॉर्म हम चेंज करते हैं ठीक है फॉर द अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस किसी सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट बनाने के लिए राइट right? अब सपोज इसी रिस्पेक्ट में मैं इसको आप भूल जाओ अब जब मैं इसके रिस्पेक्ट के आगे लगा दू डी तो मतलब क्या होता है मतलब अनादर करना है ना तो दिस हमने ऐड करा वर्ड के शुरू में तो जब हम किसी वर्ड के शुरू में कोई वर्ड लगा देते हैं ऐड करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्स प्री का मतलब पहले पहले लगाना किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स कहलाएगा लास्ट में लगाना सफिक्स कहलाएगा ठीक है इसी तरीके से और भी वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कम्फर्ट है है ना कम्फर्टेबल कर दू तो हमने क्या ऐड करा टेबल है ना तो ये क्या हो गया सफिक्स अब मैं यहाँ पे ऐड कर दू अनकम्फर्ट या अनकम्फर्टेबल पूरा भी आप कर सकते हो तो हमने क्या लगाया अन यानी ये क्या बन गया प्रीफिक्स राइट right. इसी तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट देखो द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश जज ठीक है ब्रैकेट में हमें क्या दिया है जज अब जो एविडेंस है अब कोर्ट में जज होता है है ना वही क्या देता है एविडेंस uh, यानी सबूत मांगता है वो है ना तो यहाँ पे जज ने कहा है यहाँ पे लिखा है ना सेट देट तो यानी यहाँ पे आ जाएगा जज वो change करेगा. क्या change करेगा? अपना फैसला अब फैसला अ, लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जजमेंट बन जाएगा वो जज में हमने add कर दिया मेंट तो ये क्या बन गया उसका फैसला ठीक है फिर नेक्स्ट है आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग डिबेटर्स डिबेटर्स होते हैं जो वाद-विवाद करते हैं ठीक है है उसने कहा है कि मैंने कुछ ऐसा खास कोई ऐसा गंभीर सीरियस का मतलब गंभीर कुछ नोटिस नहीं करा कुछ डिफरेंस नोटिस नहीं करा यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या लिखा है डिफर तो इससे क्या बनेगा डिफरेंस ठीक है ऑल दो दे डैश फ्रॉम वन एन अदर ओवर स्मॉल लेकिन वो लोग छोटे छोटे मुद्दों में एक दूसरे से क्या थे अलग थे ऑल दो देफर्ड फ्रॉम वन एन अदर ओवर स्मॉल पॉइंट राइट नेक्स्ट है इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर सॉरी इट्सली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल

एक्सेप्ट करोगे क्या आंसर तो यहां पर भी क्या आएगा आंसर एज फाइनल ठीक है फिर है इट इज इन शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन इन्वेंशन किसे कहते हैं आविष्कार को ठीक है यहां पे ब्रैकेट में लिखा है नेसेसरी नेसेसरी का मतलब जरूरी फिर अब इसका मतलब क्या है इट इज इंट डैश मतलब ये जरूरी नहीं है तो यहाँ क्या आएगा नेसेसरी दैट डैश शुड ऑलवेज बी मदर ऑफ की हम जो भी आविष्कार किए जाते हैं वो हमारी आवश्यकता के लिए ही नहीं किए जाते हैं है ना मतलब कि जरूरी नहीं है इट इज इन नेसेसरी जरूरी नहीं है कि कोई भी आविष्कार वो हमारी जरूरत के लिए ही हमारी या फिर हमारी आवश्यकता के लिए ही किए जाते हैं अब जब ये आवश्यकता में चेंज होगा नेसेसरी तो क्या बनेगा नेसेसिटी हमारी आवश्यकता ठीक है नेक्स्ट है हर्मिट्स आर डैशमैन जो साधु होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ क्या लिखा है वाइज बुद्धिमान होते हैं है ना तो यहाँ लिखेंगे वाइज मैन हरमिट्स आर वाइज मैन हाउ दे एक्वायर देयर डैश वन कैन टेल अब यहाँ पे है कि वो अपनी जो समझ है मतलब उनकी जो बुद्धि है जो शुरू में क्या लिखा था कि साधु बुद्धिमान होते हैं है ना अब उनकी जो बुद्धि है उनकी जो बुद्धिमता है जो समझ है वो कैसे आती है उनके पास वो किसी को नहीं पता है नो वन कैन टेल वो कोई नहीं बता सकता है ना तो उनकी समझ को हम क्या कहेंगे विजडम ठीक है फिर उसके बाद है द कमेटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम द डैश हैज द डैश इज दी टू प्लीज एवरी वन और ब्रैकेट में क्या लिखा है डिसाइड अब यहाँ पे बताया गया है कि कमेटी ने अः uh, निर्णय लिया है कि जगदीश कैप्टन है टीम का मतलब वो डिसाइड कर चुके हैं तो यहाँ क्या आएगा डिसाइडेड द कमेटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरी वन मतलब उनका जो निर्णय जो उनका जो फैसला है है ना यानी क्या बनेगा उन्होंने जो डिसीजन लिया है जो फैसला लिया है वो सभी को खुश करेगा उससे सब खुश होंगे नेक्स्ट है आस्किंग फॉर डैश इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश ब्रैकेट में क्या लिखा है फकीर अब माफी के लिए माफी मांगना एक नोबल कॉज है है ना इच्छा एक मतलब कि माफी की इच्छा होना क्या है willingness है तो आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस माफी की इच्छा होना इज एज नोबल एज विलिंग टू है ओके सुनाओ बच्चो यहाँ पे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है तो आप इन्हें भी एक बारी देख सकते हो जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन तीन चीजें या तीन सवाल क्या थे जो राजा जानना चाहता था दीज थ्री थिंग्स वर द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग किसी चीज को शुरुआत करने के लिए सही समय क्या है विच पीपल शुड ही लिसन टू उसे किसकी सुननी चाहिए एंड वट इज दोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सबसे इम्पोर्टेंट uh, काम वो क्या है जो उसे करना चाहिए अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए राजा ने क्या किया था उसने अपने मैसेजर्स भेजे थे है ना अपने किंगडम में और प्रोमिस करा था किसके लिए लार्ज सम ऑफ मनी के लिए तो हम लिखेंगे द किंग सेंट मैसेजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम अपने राज्य में उसने अपने अंगरक्षक भेजे प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु थ्री क्वेश्चन इन तीनों सवालों के जवाब जो देगा उसे एक रकम दी जाएगी बड़ी सी ठीक है नेक्स्ट है वाई डिड वाई डिड सम पीपल एडवाइज द किंग टू द काउंसिल ऑफ वाइज मैन अब कुछ लोगों ने उसे क्यों एडवाइस किया था कि उसको काउंसिल की जरूरत है राजा को कि उसे बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनानी चाहिए तो दिस ऐसा इसलिए था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली क्योंकि एक व्यक्ति का सही समय जानना किसी काम को करने के लिए है ना वो इम्पॉसिबल है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स बजाय बिना दूसरों की मदद के द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन ठीक है नेक्स्ट है हरमिट लिव एंड वॉट ही वॉज डूइंग वेन द किंग रीच्ड हिज हट अब इसमें पूछा गया है कि जो हरमिट था वो कहाँ रहता था और जब राजा उसकी कुटिया के पास पहुंचा तो वो क्या कर रहा था एक तो जो साधु था वो अ उसमें रहता था लकड़ी की कुटिया में है ना और उसने उसको कभी छोड़ा नहीं था है ना और जब राजा उसकी कुटिया के पास पहुंचा था तो वो साधु क्या कर रहा था वो डिगिंग कर रहा था है ना वो गड्ढे खोद रहा था अपनी कुटिया के बाहर तो हम क्या लिखेंगे द हर्मिट लिव इन अ व ही नेवर लेफ्ट

पीपल होते हैं सीधे साधे साधारण से वो उन्हीं से ही मिलता था तो इसीलिए वो अपने जो वस्त्र हैं जो कपड़े हैं वो बदल के गया था आम लोगों की तरह और जब वो उसकी पहुंचने वाला था उसके कुटिया पर तो उसने क्या करा था अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के साथ भेज दिया था और फिर वहां से वो अकेला गया था, है ना तो हम लिखेंगे द किंग वेंट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन बिकॉज ही सो वन बट सिंपल पीपल क्योंकि वो साधारण आदमियों से मिलता था साधु एंड सो द किंग पुट एंड पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स राइट तो वो इसीलिए साधारण कपड़ों में गया था बिफोर ही रीच्ड दट द किंग लेफ्ट हिस् होर्स विद हिज बॉडी गार्ड वेंट ऑन अलून ठीक है नेक्स्ट है हाउ द किंग डिड हेल्प द हर्मिट अब राजा ने उस साधु की जो मदद कैसे करी थी साधु की मदद उसने कैसे करी थी स्पेड से गड्ढा खोदा था उसने है ना कुदाल से द किंग टेक्स द स्पेड उसने साधु से वो कुदाल ली फ्रॉम द हर्मिट टू डिक द अर्थ गड्ढा खोदने के लिए नेक्स्ट है होम डिड द किंग सी रनिंग टूवर्ड्स दम राजा ने किसको अपनी तरफ आते अपनी तरफ भागकर आते हुए देखा था उसने एक बियर्डेड मैन को देखा था अपनी तरफ भागकर देख भागकर आते हुए देखा था है ना द किंग स अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम ठीक है नेक्स्ट है लेट मी टेक दिस स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस हु सेड एंड टू हुम मुझे अपनी कुदाल दे दो और मुझे Uh, अपनी जगह पर काम करने दो ये किसने कहा था और किससे कहा था ये राजा ने कहा था साधु से राइट द किंग सेट दिस टू हर्मिट नेक्स्ट है हाउ डिड द किंग प्रोमिस टू रिवॉर्ड द पर्सन हु वुड आंसर हिज क्वेश्चन करेक्टली जो उसके सवालों के सही जवाब देगा वो उसको क्या रिवॉर्ड देने वाला था किस चीज का इनाम देने वाला था राजा लार्ज सम ऑफ मनी का है ना मोटी रकम का द किंग प्रोमिस टू रिवॉर्ड पर्सन अ ह्यूज सम ऑफ मनी ठीक है लास्ट क्वेश्चन है हुवाइज द किंग फाइनल थिंक ऑफ सीकिंग आखिरी में राजा ने किससे एडवाइस लेने का सोचा था उसने जंगल में रहने वाले एक साधु से सलाह लेने का सोचा था राइट तो so, हम लिखेंगे द किंग फाइनली थॉट ऑफ सीकिंग द हर मिट एडवाइस हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग थैंक यू